तो दोस्तों आखिरकार भजन गायन कलाकार ओम मुंडेल ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों का जवाब दे दिया है। आपको बता दें कि ओम मुंडेल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक वीडियो के जरिए अपने ऊपर लग रहे आरोपों का जवाब दिया है। क्या कुछ कहा है ओम मुंडेल ने वो भी आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि ओम मुंडेल पर पिछले काफी दिनों से गंभीर आरोप लग रहे थे। दरअसल दोस्तों ये मामला नागौर जिले का है। 3 अप्रैल की रात को एक पति पत्नी बाइक पर सवार होकर के अपने एक साधु के घर जागरण में जा रहे थे और तभी एक पीछे से स्कॉर्पियो गाड़ी आती है। बाइक सवार पति पत्नी को टक्कर मार देती है और फिर तुरंत ही स्कॉर्पियो का ड्राइवर स्कॉर्पियो को भगाकर ले जाता है। आसपास में भीड़ एकत्रित हो जाती है। घायल हुए बाइक सवार मुकना राम उम्र 23 साल व उसकी पत्नी गीता उम्र 19 साल को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में मुकना राम की मौत हो जाती है। और दोस्तों इस घटना के मात्र 2 दिन बाद में ही मुकना राम की पत्नी गीता अपने घर में और महिलाओं के साथ सो रही थी। रात का तकरीबन 3 बजे का समय था। गीता उठती है और घर के पास ही में बने एक टांके में कूद करके अपनी यह लीला को समाप्त कर देती है। और दोस्तों इस पूरी घटना के आरोप भजन गायन कलाकार ओम मुंडेल पर लगे। दोस्तों घटना स्थल पर मौजूद लोग व परिवारजनों का ये आरोप है कि वो गाड़ी भजन गायन कलाकार ओम मुंडेल की थी और एक्सीडेंट हो जाने के बावजूद भी भजन गायन कलाकार ओम मुंडेल ने इंसानियत नहीं दिखाई। दोस्तों ये पूरा मामला सामने आ जाने के बाद लोग सोशल मीडिया पर ओम मुंडेल के प्रति अपने विचार व्यक्त करने लगे और सोशल मीडिया से लेकर हर जगह ओम मुंडेल की काफी आलोचनाएं भी हो रही थी। तो क्या कुछ कह रहे हैं ओम मुंडेल, आप भी देखिए ये वीडियो। जो भी मेरे लाइव देख रहे हैं, मेरे भाई आपके नाम मेरी स्क्रीन पर आ रहे हैं, मैं आप सभी को दिल से प्रणाम करता हूँ। नाम ले पाऊँ नहीं भी ले पाऊँ नाराज मत होना, आप सभी मेरे कालजे के टुकड़े हैं। मैं आपके बहुत बहुत भावनाओं की कदर करता हूँ क्योंकि आपके आशीर्वाद से ही मेरी जीवन की गाड़ी चल रही है। आज मैं जो भी हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से हूँ, हम जो भी हैं आप लोगों की कृपा से हैं। कहने वाले कहते रहेंगे, बस हमने तो अपना जीवन गौ माता को दे दिया है। अब चाहे मरे चाहे जिए, बस सिर्फ गौ माता के लिए जिए। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, दुनिया चाहे 1000 बात करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, न पड़ा है न पड़ेगा। मैंने मेरा जीवन मेरे पिताजी के सामने बैठकर गौ माता को अर्पित किया है कि मैं मेरा जीवन पूरा गौ माता को अर्पित कर रहा हूँ। चाहे दुनिया मेरा कुछ भी करे कुछ भी कहे, बस मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस मेरा एक ही सिद्धांत है, एक ही उद्देश्य है, जीना तो गौ माता के लिए, मरना तो गौ माता के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा कोई वोट बैलेंस कम नहीं होने वाला है। हाँ, जरूरी नहीं है कि लोग निंदा करेंगे आपके बारे में, क्या कहेंगे। कहने वाले का काम है